हाय गाइस, एक बार फिर से हम लोग फूड ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बोला कि मैं दिखा दिया करूं मैंने क्या पहना है, तो मैं दिखा देती हूं। ये टॉप जो मैंने पहना हुआ है ये मीशो का है, पूरा सेट आया था इसका, लेकिन मैंने क्या किया इसको ब्रेक करके अपने स्टाइल से जो है इसे स्टाइल किया है, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूं। और अगर आपने मेरा वेस्टर्न हॉल नहीं देखा है मीशो के कपड़ों का, तो मैं ऊपर अटैच कर रही हूं, आप देख लीजिएगा। और वेडिंग और फेस्टिव सीजन हॉल जो है मीशो का, अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेरी सारी प्ले लिस्ट भी वहाँ है, प्लीज आप देखिएगा। सो लेट्स सी माय फुल लुक। तो फ्रेंड्स, आज मैंने फॉर अ चेंज ब्लैक शूज अपने कंबाइन कर लिए, क्योंकि वाइट बहुत हो रहा था, मैंने सोचा चलो फैशन ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ये मेरी पलाजो पैंट्स हैं, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी काफ़ी टाइम पहले, बट ये रियली ये भी हॉल मैंने किया था, आप देख सकते हैं मेरा जींस का हॉल। और साथ ही स्कार्फ अगर आप देख रहे हैं, ये हाँ स्कार्फ है जो कि मैंने बेल्ट की तरह से बांध लिया है, एंड दिस इज गोइंग वेरी वेल विथ माई टॉप, बहुत पतला सा है, सो आई यूज माई स्कार्फ्स इन मल्टी वेज। और ये टॉप तो मैं दिखाई चुकी हूँ आपको, आई जस्ट लव पर्ल्स, मुझे बहुत एलिगेंट दिखाते हैं, सो दिस इज माई फुल लुक। नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो एक बार फिर आ गया है संडे और संडे होता है फूड डे, तो आज भी हम कहीं चल रहे हैं खाने आपके साथ और आपको भी खिलाएंगे हमारे साथ। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए देसी खाना बहुत खा लिया, आज मन था कुछ विदेशी खाने का। एक हमारे पड़ोसी हैं, वैसे तो कुछ खास अच्छे नहीं है लेकिन उनका खाना बहुत अच्छा होता है, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, चाइनीज फूड जो कि बॉम्बे में नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलता है, और ऐसा ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो बहुत पुराना है और बहुत ही छोटा सा था जब हमने पहली बार वहाँ पे खाना शुरू किया। मेरे को याद है कि 1992 में मैंने पहली बार उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, बड़ा ही छोटा सा था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है उम्र के साथ साथ, तो आज हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। तो आइए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए कुछ चीनी खाना। ये बैठी है हमारी बिटिया रानी, चल रही है हमारे साथ और ये भी एंजॉय करेगी हमारे साथ खाना। तो दोस्तों रेडी, देर किस बात की, चले। दोस्तों चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर, बॉम्बे की खूबसूरत सड़कों से होते हुए, माफ कीजिएगा मुझे बॉम्बे ही निकलता है, मुंबई की खूबसूरत सड़कों से होते हुए, मंजिल बड़ी स्वाद है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो गाड़ी में बैठ गए हम लता जी और हमारी बिटिया, लेकिन एक मेंबर मिसिंग है, कहाँ है वो हमारा नन्ना मुन्ना साथी, आ जाओ लीजिए। आ गए, प्रकट हो गए नन्ने मुन्ने साथी, ये अपने नानी के घर गए थे, वहाँ से हमने इन्हें लिया है और अब हुई है फैमिली कंप्लीट और अब करते हैं अपनी जर्नी कंप्लीट। दोस्तों हम आज आपको ले जा रहे हैं मलाड वेस्ट में स्थित अंकल्स किचन चाइनीज रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है और यहाँ पर लोकल्स में बहुत ही पॉपुलर है और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं। बहुत ही पुराना है, जैसे मैंने आपको बताया मैं तो 1992 से यहाँ पर खा रहा हूँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट 1987 से यहाँ पर है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया, हाथ हुए सैनिटाइज, स्टाफ को देखकर खुशी हुई, लोगों ने अच्छी तरह अपने अपने मुंह ढके हुए हैं, सिर पर कैप्स भी पहनी हुई हैं, यानी कि कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन हम तो आए हैं खाना खाने, तो हमें तो मास्क उतारना पड़ेगा। और आ गया है मेनू कार्ड, मेनू कार्ड पर इस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी है, ये यहाँ के फाउंडर जेरोम डिसूजा, और इस पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो हमें बहुत पसंद आई, इफ वन हैज नॉट डाइंड वेल देन वन कैन नॉट थिंक वेल, स्लीप वेल और लव वेल। बिल्कुल हम इस लाइन से बिल्कुल अग्री करते हैं। तो लीजिए हम भी डाइनिंग यानी कि ईटिंग शुरू करते हैं, ऑर्डर देना शुरू किया है। तो चाइनीज़ में सबसे पहले जाहिर है सूप्स का ऑर्डर होगा, साथ में कुछ स्टार्टर्स आएंगे, तो हमने भी ऑर्डर कर दिया है सूप्स, हॉट एंड सार सूप और स्वीट कॉर्न सूप। हॉट एंड सार सूप शेयर करेंगे हम और हमारी बिटिया, और स्वीट कॉर्न हमारे बेटे को बहुत पसंद है तो वो और लता जी पियेंगे स्वीट कॉर्न सूप। तो ये लीजिए सूप्स आ गए हैं, गर्म गर्म है, धुआं निकल रहा है, लेकिन नन्हे मुन्ने साथी से रहा नहीं जा रहा, आराम से बेटा मुंह मत जला लेना, हाँ फू 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 करके ठंडा करके पीजिए और इस सूप का मजा लीजिए। आहा, सूप का आ रहा है मजा, हॉट एंड सावर सूप भी बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल अपने नाम की तरह हॉट एंड सावर। प्लेट्स आ गई यानी कि स्टार्टर्स भी आने वाले हैं। तो आया स्टार्टर नंबर वन, स्प्रिंग रोल्स, क्रिस्पी ब्राउन फ्राइड स्प्रिंग रोल्स, और ये यहाँ का सबसे पॉपुलर आइटम है क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप्स। जब भी आप अंकल्स किचन आए ना, तो लॉलीपॉप खाए बिना मत जाइए, और जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं वो क्रिस्पी पनीर यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम ट्राई करते हैं शेजवान सॉस के साथ स्प्रिंग रोल्स। शेजवान सॉस भी ये लोग खुद अपनी यहीं पर बनाते हैं, इसलिए यहाँ के डिशेस का अपना ही अलग स्वाद होता है, इनके सॉसेस भी यहीं पर बनती हैं और खाना तो जाहिर है यहीं पर बनता होगा। तो हम ले रहे हैं स्प्रिंग रोल का मज़ा,
और साथ में लॉलीपॉप्स का मजा ले रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने साथी। लेकिन लता जी का अभी तक स्टार्टर क्यों नहीं आया? लता जी ने बहुत पॉपुलर आइटम मंगाया है यहाँ का, लीजिए आ गया। ये है पेपरी पनीर। नाम से ही पता चल जाता है कि पनीर है कुक्ड इन लॉट्स ऑफ पेपर, और जिसे पनीर पसंद है और जिसे पेपर पसंद है उसे पेपरी पनीर तो पसंद आएगा ही आएगा। जी हाँ, तो ये हुए स्टार्टर्स। लिया इनका मजा सूप के साथ गर्मा गर्म। हमारा तो चाइनीज में फेवरेट है सूप। सूप हम हमको पिलाते जाइए, दो बॉल तीन बॉल, बट मेन कोर्स भी तो खाना पड़ता है। तो ये आया है मेन कोर्स, ये आया है फ्राइड राइस और साथ में है चिली चिकन। देखिए चिली चिकन कितना अलग है बाकी दूसरे रेस्टोरेंट से, कितना सिंपल लुकिंग है लेकिन उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर चिली चिकन में कुछ ज़्यादा कैप्सिकम्स नहीं डाले हैं, कोई पेपर्स नहीं डाले हैं, प्याज नहीं है जैसे कि आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, लेकिन फ्लेवर ऐसा है कि हम आपको क्या बताएं। ये भी यहाँ की एक बहुत पॉपुलर डिश है। दो डिशेज यहाँ पर जो लोग हमेशा मंगाते हैं वो है चिली चिकन और दूसरा है लॉलीपॉप, ऑल टाइम फेवरेट्स। तो फ्राइड राइस भी आ गए हैं, चिकन चिली भी आ गया है, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने साथी का फेवरेट जो कि हर बच्चे का फेवरेट होता है, नूडल्स। भैया नूडल्स कहाँ हैं? अभी तक नहीं पहुँचे हैं टेबल पर, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हमारे साथी हमारे साथ फ्राइड राइस और चिली चिकन का मज़ा तो ले ही सकते हैं ना। नूडल्स भी आ जाएंगे, देखा राइस भी अच्छे हैं, खा लो थोड़े और। लेकिन नहीं, ये तो इंतज़ार करेंगे अपने शेजवान हाका नूडल्स का जो कि टेबल पर आ चुके हैं। धुआं देखो कैसे निकल रहा है और हर चीज़ को देखते ही उसकी सुगंध लेते ही ना माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, यानी कि मुंह पानी से भर जाता है, और तभी वो पानी बंद होता है जब खाना मुंह में जाता है। तो बस नूडल्स भी गए हमारे साथी के मुंह में और उन्हें आया बहुत ही ज़्यादा मज़ा। खाना बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन बहुत ही अलग फ्लेवर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चाइनीज़ फूड है। तो इसीलिए इनकी जो मेनू कार्ड पर लाइन लिखी थी ना, मैं वो मुझे हमेशा याद रहेगी। अगर आपने अच्छे से खाना नहीं खाया तो ना आप अच्छी तरह सो पाएंगे, ना अच्छी तरह सोच पाएंगे और ना ही एक दूसरे से अच्छी तरह प्यार कर पाएंगे। जी हाँ, खाना अच्छा तो मूड अच्छा, खाना एवरेज तो मूड भी एवरेज, और खाना अगर अच्छा नहीं है तो मूड भी वैसा ही होगा। तो यहाँ का खाना तो बहुत बढ़िया था। खाने के बाद आए माउथ फ्रेशनर्स अच्छी तरह पैक होके बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात लगी हमें, हमने अपना खाना जो बचा था वो पैक कराना चाहा, उन्होंने कहा कंटेनर्स हम आपको आपकी टेबल पर ही ला कर देंगे, आप खुद अपने हाथों से अपना खाना पैक कीजिए और अपने साथ ले जाइए। जो खाना ले लिया, और ये हैं यहाँ के ओनर सनी डिसूजा, बहुत ही हम्बल बहुत ही स्वीट पर्सन है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। सो फ्रेंड्स, हमने चाइनीज़ खाने का मज़ा ले लिया। आप भी जब मुंबई आएँ तो मलाड वेस्ट में अंकल किचन आकर चाइनीज़ खाने का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा चाइनीज़ नुक फूड का व्लॉग। नुक फूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चाइनीज़ खाना बाकी चाइनीज़ रेस्टोरेंट से बहुत ही अलग था। नुक्कड़ नुक्कड़ पे जैसा चाइनीज़ खाना मिलता ना वैसा भी नहीं था, और फाइन डाइनिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वैसा भी नहीं था, कहीं बीच का था, कुछ अलग था, बहुत ही मज़ेदार था। और जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे अच्छी बात हमें इस रेस्टोरेंट की ये लगी, वहाँ के कोविड सेफ्टी मेजर्स। आपने भी देखा होगा किसी भी वेटर ने अपना मास्क नीचे नहीं रखा था, सैनिटाइजेशन बार बार हो रही थी, एंड एवरीथिंग वाज वेल टेकन केयर ऑफ। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाके हमें बहुत सिक्योर महसूस कर रहा होता है, और हम चाहेंगे कि बाकी रेस्टोरेंट्स वाले भी ये गाइडलाइंस फॉलो करें ताकि हम सब सेफ रहें। तो दोस्तों, अगली बार जब तक नहीं मिलते तब तक खाओ पियो ऐश करो, और भूलिएगा नहीं अपना काम, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।